तस्वीर तो वही है। मेरा नाम शकुंतला है। ये कहानी मेरी है, जो एक खूबसूरत जवान और प्यासी दुल्हन की है। लोकेश, यही बंगलो है। अरे हाँ, लिखा भी तो है अतिथि देव भव। हाँ, चलो चलते हैं। यहाँ तो डोरबेल ही नहीं है। दरवाजा खोल कर देखता हूँ। कोई है? कोई है क्या? वाओ, नाइस ना? या, नाइस इंटीरियर। अरे यार, मैंने तो सोचा भी नहीं था अंदर से इतना खूबसूरत होगा। हाँ बिल्कुल। नहीं, किससे मिलना है? शकुंतला। कौन हो तुम लोग और किससे मिलना है? आपने पीजी के लिए ऐड दी थी, मेरा मतलब आपको किराएदार चाहिए थी। हाँ हाँ, आओ बैठो। जी शादीशुदा हो? जी नहीं, हम शादीशुदा नहीं, हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। मेरा मतलब
बिना शादी के एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह? मालूम है मुझे, क्या करते हैं? मैं बेसिकली फ्रीलांस राइटर हूँ, फिल्में लिखता हूँ। आप फिल्में देखती? नहीं, मुझे पसंद नहीं। ओ, वैसे आज भी क्या लोगों को फिल्में देखने का शौक नहीं? आपको बुक पढ़ने का शौक है? नहीं, लिखने का शौक। सी, इसका मतलब आप भी राइटर हैं? फिर तो हम दोनों राइटर्स की अच्छी जमेगी। मैं लेखक नहीं हूँ, अपने लिए लिखती हूँ। मैं एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब करती हूँ, मेरा मतलब मैं भी नौकरी करती। दोनों कमाते हो? जरूरी है। अच्छी बात है। तुम दोनों कुछ लोगे? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। चाय ठंडा? अरे आप बेवजह तकलीफ कर रही हैं, हम सिर्फ घर देखने आए थे। देख लीजिएगा घर। ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छे से मेंटेन किया है आपने। मुझे है। अतिथि देवो भव। और एक बात और, किरायेदारों के लिए मेरे पास एक ही रूम है। वैसे हमें भी एक ही रूम चाहिए। तो फिर तुम जाकर एक बार रूम देख लो, तब तक मैं तुम दोनों के लिए शरबत बना के लेके आ। ठीक है। वो कमरा देख लेते हैं। कैसा लगा कमरा? बहुत अच्छा, मुझे तो पसंद है। रूम काफी अच्छा है ना? काफी अच्छा है। इनफैक्ट पूरा घर अच्छा है। नो डाउट। ये लो। थैंक यू। शरबत कहीं भागे नहीं जा रहा है, आराम से बैठ के पियो। कैसा लगा? बहुत अच्छा, आपने घर बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। मैंने शरबत की बात की। ओह सॉरी, मुझे लगा कि बहुत टेस्टी है शरबत। हाँ एक्चुअली होममेड लगता है ना। मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या बात है, आपके हाथों में तो जादू है। हमने ऐसा शरबत पहले कभी नहीं पिया। कभी नहीं? मालूम है, इसीलिए तो बनाया। घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। सब अच्छे से देख लिया ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सब वेल एंड क्लीन है, इतना साफ सुथरा घर। सॉरी मेरा मतलब बंगलो देखकर मेरा दिलो दिमाग खुश हो गया, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही अच्छा निकला। हमें पसंद आया। शुक्रिया। आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। राजस्थानी मिठाई या कुछ नमकीन? अरे नहीं नहीं, हम घर से खाकर निकले थे। एक्चुअली हैवी ब्रेकफास्ट करके निकले। ठीक है, पर तुम लोग गलत मत समझना, जब भी कोई यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार का कोई सदस्य आया है, और मेरा बर्ताव ऐसा हो जाता। अरे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे ये तो अच्छी बात है ना, अतिथि देव भव। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे किसी चीज की जरूरत है। किराएदार तो मैं इसलिए रखना चाहती हूँ कि इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, और इतने बड़े घर में मैं अकेली बोर हो जाती हूँ। हाँ सही बात है, अकेली बोर होती होंगी। आप अकेली रहती हैं? मेरा मतलब यहाँ और कोई नहीं रहता? कोई है ही नहीं, सब जा चुके हैं, मैं ही अकेली बची हूँ। इन सब बातों को छोड़ो,
ये बताओ तुम यहाँ रहना चाहते हो या नहीं? हाँ हाँ हमें पसंद है। हाँ इट्स वेरी कूल एंड पीस प्लेस ना। अगर तुम दोनों को यहाँ रहना है तो मेरी दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, 11 बजे के बाद मैं अपने कमरे में होती हूँ तो मुझे किसी तरीके का कोई शोरगुल नहीं चाहिए। तो जो भी काम या बात हो 11 बजे से पहले या दूसरे दिन, समझे? और दूसरी बात, जो करना है नीचे करना, ऊपर आना मुझे किसी का पसंद नहीं। यू समझो कि ऊपर आना बिल्कुल सख्त मना है। तुम लोगों के लिए नीचे सब कुछ है, किचन बाथरूम, समझे ना? जी जी, आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी, आई प्रॉमिस। शुक्रिया। तो फिर कब से आओगे? आंटी जी, हम दो तीन दिन में शिफ्ट कर लेंगे। अरे नहीं, हम कल से ही शिफ्ट करेंगे। मेरा नाम शकुंतला है, आंटी नहीं। ओह सॉरी, मुझे आपका नाम मालूम नहीं था इसलिए बोल दिया। सॉरी शकुंतला जी। तुम दोनों बैठो, मैं अभी आती हूँ। तुमने कल क्यों बोल दिया? कम से कम एक दो दिन का समय तो लेती है ना सोचने के लिए। अरे लोकेश पागल हो क्या? इतनी अच्छी और सस्ती जगह कहाँ मिलती है? कितनी कूल और पीस है। और तुम ही तो कहते थे ना कि तुम्हें राइटिंग के लिए एक बहुत कूल प्लेस चाहिए। यही है वो। यार, I like this place, so I have done it. यार, तुम्हें सब पता है ना यार, तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है यहाँ से, और दूर भी तो है सिटी से ये। अरे तो क्या हो गया, लंदन में तो नहीं है ना? Please try to understand, यार. Your office is so far away from here. अरे, I have no problem. अरे, जरा सोचो ना, जब हम ऑफिस से घर लौटेंगे तो माइंड के साथ साथ बॉडी भी रिलैक्स मिलेगी। और तुम ही तो कहते थे ना कि तुम्हें राइटिंग के लिए कूल और पीस स्पेस चाहिए। यही है वो। प्लीज ना जानू, मान जाओ ना। ओके कूल, मेरी तरफ से भी ये डन है। एक बात बोलूं? मुझे भी ये जगह बहुत अच्छी लगती। मैं सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। ये लो मेन दरवाजे की चाबी।